हेलो दोस्तों, तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे अपने विंडोज 11 में अगर आपको भी 100% सीपीयू यूजेज वाली प्रॉब्लम आती तो वो 99% जो है यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। तो गाइस आपको सिंपली मैं चार स्टेप्स बताऊंगा और आपको उसे फॉलो करना है और काफी हद तक जो आपकी ये प्रॉब्लम है 100% सीपीयू यूजेज वाली वो सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपना टास्क बार खोल के दिखा देता हूँ कि मेरा जो सीपीयू है यहाँ पे 10-20% ही यूज हो रहा है और रेगुलरली अगर मैं कोई गेमिंग चलाता हूँ तो वो इससे थोड़ा बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आपके में होगा तो यहाँ पे 100% भी हो सकता है, शायद इसलिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो वैसे आपको सबसे पहले जो स्टेप करना है वो यहाँ पे सर्च करना है टास्क शेड्यूलर का। तो टास्क शेड्यूलर का आपको सर्च करना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे ये जो है आपको यहाँ पे टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद आपको यहाँ पे विंडोज पे क्लिक कर देना है। विंडोज पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे थोड़ा आपको लोडिंग होने देना है और यहाँ पे इसको ऐसे स्क्रॉल करके इधर ले आना है और फिर सबसे नीचे जाना है। आपको यहाँ पे मिलेगा विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नेम वाली टैब को आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेड्यूल स्कैन, तो इसको डबल क्लिक करना है आपको। तो ये राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में ले आता हूँ मैं। तो यहाँ पे रन विद हाईएस्ट प्रिविलेजेस, तो ये आपको बंद करना है गाइस। यही जो प्रॉब्लम है आपको फेस करनी पड़ती है कि ये जो शेड्यूल स्कैन है ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपके सीपीयू को यूज़ करता है, तो आपको इसको बंद कर देना है और यहाँ पे कंडीशंस पे चलना है। कंडीशंस पे चलने के बाद ये पावर वाला वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको अनटिक कर देना है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये हमारा काम हो चुका है। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली सेकेंड स्टेप में सीएमडी को ओपन करना है और सॉरी सीएमडी को यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है, ये आपको ध्यान रखना है गाइज। तो यहाँ पे यस कर देता हूँ मैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है विदाउट एनी स्पेस जीपी अपडेट। तो यहाँ पे जीपी अपडेट में टाइप कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा देर आपको दिख रहा होगा कि अपडेटिंग पॉलिसी आ रहा है। अपडेटिंग पॉलिसी के आने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो ये आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद यूजर पॉलिसी भी हो चुकी है अपडेटेड। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप और अभी बात करते हैं थर्ड स्टेप की। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है विंडोज सिक्योरिटी। विंडोज सिक्योरिटी सर्च करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे चले जाना है। इसके बाद आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स में यहाँ पे मैनेज सेटिंग्स पे क्लिक करना है। मैनेज सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे चलना है। एक्सक्लूजन में आने के बाद ऐड और रिमूव एक्सक्लूजन में क्लिक करना है। यहाँ पे परमिशन मांगे तो यस कर देना है। आपको यहाँ पे ऐड एंड एक्सक्लूजन करना है और यहाँ पे प्रोसेस टाइप करना है। यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है, किसी और पे क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पे आपको टाइप क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। एम बड़ा कैपिटल लेटर और एस स्मॉल, फिर एम कैपिटल लेटर और यहाँ पे पी स्मॉल, फिर ई कैपिटल लेटर और फिर ई एन सॉरी ई कैपिटल लेटर और एन जी जो है वो छोटे लेटर में टाइप करना है और फिर से सी पी जो है वो आपको कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है और डॉट ई एक्स ई। तो गाइज ये इससे ध्यान से देख लीजिए और इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक हो चुका है गाइज, ये तो हमारा प्रोसेस जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये एक्सक्लूसिव में जा चुका है। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। फोर्थ स्टेप के जाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली कंट्रोल पैनल टाइप करना है। कंट्रोल पैनल के लिए के बाद आपको यहाँ पे पावर ऑप्शंस पे आ जाना है। पावर ऑप्शंस के आने बाद आपका जो भी जो यहाँ पे पावर ऑप्शन जो है सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ मेरे काफ़ी सारे बने हुए हैं, मैंने एडिशनल बनाए थे, आप वीडियो देख सकते हैं कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्ट किया हुआ उसके सामने यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग्स पे क्लिक करना है। चेंज प्लान सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं आपके पास। लास्ट फोर्थ पे आपको मिलेगा प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट, तो आपको इसको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मिनिमम प्रोसेसर स्टेट, तो इस पर भी क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, मैं क्योंकि फिलहाल लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा क्योंकि पीसी में बैटरी नहीं होती। तो ऑन बैटरी यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और प्लग इन, अगर आपको पीसी है तो आपको 100 100 यहाँ पे करना है और यहाँ पे प्लग इन पे मैं 100 कर देता हूँ। और मैक्सिमम पे भी यही सेम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम पे अभी 100 ही करना है अगर आप लैपटॉप यूज़ रहे हैं तो भी, और प्लग इन पे भी यहाँ पे 100 करना है और बैटरी पे भी 100 करना है। अगर आपका सीपीयू है तो दोनों में 100 100 कर देना है और बैटरी पे तो यहाँ पे ऑन बैटरी 0 कर देना है मिनिमम में। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे सेव चेंजेस कर देने हैं। तो गाइस ये थे हमारे जो चार स्टेप। आशा करता हूँ आपका 100% सीपीयू यूज वाला प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो चुका होगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट से बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।